चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पुरी, जहां पर ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा का आगाज, जो आध्यात्मिक चेतना को पूरे विश्व को दिखा रहा है। यह कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है, यह आध्यात्मिक चेतना के प्राण की यात्रा है। ऐसे में अगर मेरी आवाज आप घर में बैठे हुए सुन रहे हैं, तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि इस वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचने का एकमात्र सहारा भगवान जगन्नाथ का आज रथ यात्रा का अकेले अपने परिवार के साथ बैठकर देखना है, अवलोकन करना है। और यह यात्रा सुबह 4 बजे से ही अलग अलग रीत नीति के साथ आरंभ हो चुकी है। मुझे इस बात की खुशी है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दूरदर्शन ने जिस तरह की व्यवस्था की है, वह अपने आप में अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व। क्योंकि विश्व के लगभग 143 देश के जगन्नाथ भक्त आज दूरदर्शन के माध्यम से जिस तरह से रथ यात्रा का अवलोकन कर रहे हैं, कोरोना वैश्विक महामारी क्या रोक पाएगी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए। भगवान जगन्नाथ जो चाहते वही करते हैं। ये ऐसे देव हैं जिनकी लीला अपरंपार, ये जो भी लीलाएं करते हैं अपने आप में अद्वितीय लीलाएं करते हैं। बहुत बहुत ही बड़ी बात है कि इस वर्ष की यात्रा अपने आप में विश्व मैत्री, शांति, एकता, भाईचारे का पावन संदेश हर वर्ष की तरह दे रही है। और मैं इस जगन्नाथपुरी के वरदान से, सांस्कृतिक नगरी पुरी के इस जगह से, जहां से पवित्रता, शांति, मैत्री का भाव चारों तरफ पूरे विश्व में फैल रहा है, हे महाप्रभु जगन्नाथ, हे महाबाहु, आप इसी तरह की कृपा विश्व मानवता को बनाए रखें। आगे का हाल हमारे सहयोगी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।